हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हैप्पी मकर संक्रांति सबको, और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और कैसे आप सब? सब मुझे पूछते हैं आपको क्या हुआ है। मुझे क्या हुआ है मुझे खुद को नहीं मालूम है। कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ है? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। पहले बोले लीवर पे सूजन है, MRI कराओ। सब करा लिए तो थोड़ा सा सूजन बताया था। फिर बोले कि एक चेकअप और करा लो, जो लीवर के नीचे गॉड ब्लैडर होता है वो कहीं उस पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करा लिए। और अब भी बोले हैं कि आपकी जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया मतलब खाने का जो नली होता है ना, वो बढ़ रहा है। तो मेरा राइट साइड से पेट बढ़ गया है, वो दर्द देता है। जब तक मैं दवा खाती तो खाना खाती हूँ, दवा बंद किए तो खाना बंद। दवाइयाँ भी ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि एक एक बार में 8-8, 10-10 गोलियाँ खाओ, कितना खाएंगे आप? मैं दवा खाना बंद कर देती, थक जाती दवा खा खा के। अभी मैं डॉक्टर के पास से ही आई हूँ, 8 दिन हो गए, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जब खाना नहीं जाता है तो आपका ब्लड या विटामिन सो तो सब कम होगा ही, तो विटामिन B12 का भी कमी है, उसकी वजह से मेरा पूरा सर दर्द देता है। आँखों पे भी तकलीफ हो रही है। विटामिन डी की भी कमी है, वो भी अभी डॉक्टर बोला जब खाना नहीं खाओगे तो कैसे पूरा होगा। तो खाना तो तब खाओ जब मुझे पेट खाने दे, पेट खाने नहीं देता है तो क्या करूँ? दवाई खाती हूँ तो 1-2 रोटी खा ली तो खा ली, नहीं तो पूरा पूरा दिन भूख नहीं है। तो बस ये मुझे हुआ है। अब यहाँ मैं हर डॉक्टर को दिखा चुकी, सर्जन को, स्पेशलिस्ट, जो भी डॉक्टर है, बड़े से बड़े डॉक्टर, सबको दिखा ली हूँ, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। तो देखते हैं आगे, अभी कहीं बाहर जाके बॉम्बे से तो वहाँ दिखाएंगे। तो चलो आज मकर संक्रांति को क्या बनता है देखते हैं। कल कुछ बना नहीं तो मैं बोली कुछ ना कुछ डाल दो, वीडियो चला जाएगा, तो वो भी गाना है उसमें, देखते नहीं तो उसको हटा देंगे और क्या करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको दोस्तों किचन में, बनाते हैं कुछ। आज तो संक्रांति का कुछ बनेगा, क्योंकि खाना कोई खीर पूड़ी कोई खाते नहीं है, बच्चे लोग सब मना कर दिए, कुछ बनाना नहीं, खिचड़ी भी नहीं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो आज हम बनाएंगे, वो तो सबको ही बनाता है, तिल के लड्डू। तो ये तिल मैंने धो लिए थे, धो के सुखा के फिर इनको थोड़ा सा पीस लें, मतलब या तो आपको कूट के बनाना है तो फिर अच्छा बनता है, वो खड़े खड़े तिल नहीं रहते, वो अच्छा भी लगता है। जैसे UP साइड में मिलता है ना तिलपट्टी वगैरह, वो भुरभुरी वाली तिलपट्टी, वैसे ये बन जाते हैं, कड़क भी नहीं होते हैं, वो अच्छे से बन जाते हैं। तो ये हम पाक बना लेंगे। तो ये थोड़ा, ये वाइट वाला गुड़ है, जो काला वाला गुड़ रहता है वो अच्छा रहता है। तो ये हमारा पाक भी तैयार हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पाक बनाने में। और ये अगर इसको चेक करना है तो पानी में डाल के ऐसे चेक कर लें, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि पाक मेरा बन चुका है। तो ये रेडी हो गया है, तो अभी हम इसको उसके तिल के अंदर डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके डालना क्योंकि एक साथ गीला नहीं हो जाए। और इसको थोड़ा गर्म गर्म में ही बनाएंगे तो बन जाता है, नहीं तो जल्दी चिपक जाते हैं, ठंडा हो जाता है। तो इसको हम फटाफट मिला लेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं भूनकर, और नहीं तो काजू वाजू लगा सकते हैं। तो मैं तो इसमें ऊपर से पिस्ता लगा दूंगी गार्निश के लिए, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और ये हमने थोड़ा सा तिल साइड में रखे थे, नहीं थोड़ा सा रख लेती हूँ, तो सोचा लाओ ये भी डाल देती, बाद में देखेंगे फिर। तो इस तरह से हम पूरा पाक मेरा पड़ जाएगा, इसमें वो भी डाल देंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे।
इसको लड्डू भी बना लो, नहीं तो इसको फैला के तिलपट्टी भी बना लेते हैं। तो ये देखिए गोल गोल हमारे लड्डू बन रहे हैं, और फटाफट बना लें, ठंडा हो जाएगा तो चिपकेंगे। तो बस इसी तरह से सब बना लेंगे, और सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तो हम पिस्ते लगा देंगे ऊपर से गणेश के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो। तो बस यही है आज के दिन, कुछ ज़्यादा नहीं है, हमारा वीडियो छोटा सा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। तो ये देखिए हमारे रेडी हो गए हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, सपोर्ट टू चैनल।